क्या हुआ आज? पर मेरे से हिटिंग नहीं हो रही है, मतलब हिटिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा ना, अंदर ही रह रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम हर्ष पांडे, अच्छा बैट्समैन है। इसका एक क्वेश्चन है कि इससे प्रॉपर हिट नहीं हो रही है, सर्कल्स के अंदर या बाउंड्री के अंदर कैच हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, बात करते हैं, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, हर बैट्समैन की यही प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू हिट अ प्रॉपर सिक्स, और वो सिक्स मारने के चक्कर में अपना विकेट गवा देता है। कम विद मी, हम चलते हैं नेट्स में और बताते हैं किस तरीके से हिटिंग करते हैं छक्कों की। ओके, तो अब हम आ चुके हैं नेट्स की विकेट के ऊपर और हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर सिक्स मारा जा सकता है, इंटेंशन ऑफ द बैटिंग क्या होनी चाहिए, अप्रोच ऑफ द बैटिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहली फिलोसफी है आपकी बैटिंग की कि आपका जो ग्रिप है बैट का वो किस तरीके से हो और फॉलो ऑफ द बैट किस तरीके से होना चाहिए। शायद पांडे के साथ वो प्रॉब्लम फेस हो रही हो, सचिन के साथ वो प्रॉब्लम आ रही हो कि इनका जो बैट ऑफ द फ्लो है वो उस रेंज में नहीं जा रहा हो, मे बी इनका ग्रिप में प्रॉब्लम हो, मे बी इनका जो बैट का फ्लो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप जब हिटिंग करोगे तो आपको बॉल की रेंज में जाना बहुत ही जरूरी है, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आपकी बॉल को रेंज में जाना है। दूसरी चीज है कि जब बॉल आपकी रेंज में आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा काम है वो हेड करता है। अगर आपका हेड या बॉडी वेट पीछे रहेगा तो देन आप कभी भी हिट नहीं कर पाओगे, हिट करोगे सर्कल या फिर बाउंड्री के अंदर आउट हो जाओगे। जब आपका हेड का पोजीशन ना आपका आगे होगा तो द फ्लो एक बनता है, फिर बैट काम करता है पावर एंड टाइमिंग पे। हम ट्राई करते हैं उस पर। आपका ये स्टांस हो गया, इस तरीके से आप खड़े हैं, ठीक है, यहां से खड़े हैं आप छक्के मारने के लिए, ये पैर इतना खोला और यहीं से हिट कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है ना ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। पावर किससे जनरेट होती है? आपके बॉटम हैंड से, डोमिनेटिंग हैंड आपका वर्क नहीं करता। और जब आपको सिक्स मारना हो या फोर मारना हो, टाइमिंग के साथ खेलना हो, तो जो डोमिनेटिंग हैंड है आपका वो काम करना चाहिए। जब हमारा ये डोमिनेटिंग हैंड ब्लॉक रहेगा तो आप इसको नहीं क्लियर कर सकते छक्के में। डोमिनेटिंग हैंड फ्री होना चाहिए, इस तरीके से फ्री होना चाहिए। फ्री कैसे होगा? आप यहां पे खड़े हैं, बॉल ये रेंज में गिर रहा है, ये यहां निकला, अब ये हेड पोजीशन देखो आगे है, अब ये देखो डोमिनेटिंग हैंड पूरा खुल रहा है, ये पूरा खुल रहा है। अभी पीछे वाले में क्या था, जब मेरा हेड पोजीशन यहां ये ब्लॉक है, तो ये जो हेड पोजीशन है ये हर बॉल में, चाहे आप ड्राइव करो, चाहे आप डिफेंस करो, चाहे आप स्विंग खेलो, चाहे आप स्पिन खेलो, आपका हेड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बॉडी को आगे लेके आएगा। अब मेरा हेड पोजीशन यही रह रहा है तो मेरी बॉडी भी यही रह रहेगी, और मेरा हेड पोजीशन आगे जाएगा तो ये आगे जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं दो बॉल डला के कि किस तरीके से ये वर्क करता है। दोनों तरीका देखेंगे, जिसमें बॉल प्रॉपर हिट नहीं होती छक्के के लिए और जिसमें प्रॉपर हिट होगी छक्के के लिए, वो दोनों चीजें देखेंगे। पहले हम देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो देखेंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या है। चल ये देखो, ये बॉडी वेट मेरा पीछे है और ये मेरा यहां से ब्लॉक था, इतनी ऊपर ही गया, क्योंकि बॉडी वेट मेरा पीछे रहा इसलिए ये क्लियर ही नहीं हो सकता किसी भी। क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा ना। अभी अगला बॉल हम देखते हैं कि किस तरीके से जाता है, उसमें बॉडी का ट्रांसफर खाली देखना। अब ये देखो, तो अब हम इस एंगल से देखेंगे क्योंकि उस एंगल से हमारा शायद हेड पूरा ना देखे। अब यहां से फुटवर्क एंड हेड दोनों दिखेगा। अब हम इस एंगल से इसलिए शूट कर रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट बॉल, देखो हेड पोजीशन कहाँ है, आप भी यहाँ देखो, प्रॉपर पैर मैंने यहाँ निकाला, मेरा हेड पोजीशन है और मेरा ये हाथ ब्लॉक था इसलिए प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल मूड में कि किस तरीके से, और ग्रिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रिप किस तरीके से, जब आपको हिटिंग करनी है ना तो ग्रिप थोड़ी सी मजबूत पकड़नी पड़ेगी। हम ड्राइव के टाइम क्या करते हैं कि हमारा जो नॉन बैटिंग आर्म है, ठीक है, बैक हैंड है जो, उसको हम हल्का करते हैं और इसको 70-80% इस पे रहता है डोमिनेटिंग हैंड पे। When you going for the hitting sixes, आपको ये वाले हाथ का पावर 35% करना है, 20% से 35%, 65% इस हैंड का, देन वो कॉम्बिनेशन जब बनेगा 35 एंड 65 का, तो आपके शॉर्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ पार्क जाएंगे। नेक्स्ट बॉल, बहुत दूर था, थोड़ा आगे डालना है यहां जो, अब ये हेड का पोजीशन देख रहे हैं आप, मेरे नी के आगे आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपका थोड़ा सा ऊपर डाल,
ये देख रहे हैं, ये हेड का पोजीशन, ये आपके नी के आगे आने की जरूरत है। जब आपका हेड का पोजीशन आगे आएगा आप हिट करोगे प्रॉपर। और सिक्स हिटिंग में दो से तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है आपका, ग्रिप ऑफ द बैट, ठीक है, फ्लो ऑफ द बैट, और बॉल कहाँ का आप वो कर रहे हो, जज कहाँ का बॉल कर रहे हो। आप अगर गुड लेन या शॉर्ट लेन का बॉल को मारने की कोशिश करोगे सामने नहीं जाएगा वो। अगर आपके रीच में बॉल है तो देन हिट द प्रॉपर सिक्स, अगर नहीं है तो उसको आप स्टेयर करो सिंगल या चौके के लिए। तो तीन चीजों पे काम करना है, बैटिंग ग्रिप, दूसरा फ्लो ऑफ द बैट कि क्या रेंज में बैट आ रहा है, तीसरा हेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉल की तरफ जाना चाहिए हेड। ये तीनों चीजों पे काम कर लो, आपके सिक्सेस प्रॉपर आ जाएंगे, आ जाएगा। नहीं अभी देखो, रुको रुको, ये इसका ड्राइव देगा हर्ष का, ये पूरा हेड ना इसका पीछे था इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ, वापस जा। अभी ये सर्कल के ऊपर है, अभी भी ये प्रॉपर था नहीं, लेकिन उससे बेटर था, ये सर्कल क्लियर हो जाएगा। ये पता है अभी भी वही गलती हो रही है, गलती हो ही रही है ना, यहाँ से ये बॉडी वेट यही रह रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, गलती सेम हुई हो रही है। अभी यहाँ खड़े इस तरीके से, ये देख रहा है मेरा ये हेड का आगे आ रहा है इसलिए वो बॉल कनेक्ट हो रहा है प्रॉपर, देख रहा है ये हेड, देख आ जा। नहीं 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 नहीं, तो ये देख, नहीं नहीं अभी रुक जा, अभी जो ड्राइव था ना आपका ये था, यहां से ये था, ठीक है, ये नहीं खुलेगा, ये इसमें आप छक्के नहीं मार सकते, आपको जब छक्के मारने हैं ना नीचे से उठाना पड़ेगा, इसे इस तरीके से आपको उठाना पड़ेगा, ये आपको यहीं से अगर यही रह रहा है ये, तो ये ड्राइव का बॉल हो जाएगा, छक्का नहीं जाएगा। देख देख हेड देख, ये यही रह रहा है पीछे, नहीं जाएगा। वेन आप जब को हिटिंग करनी है ना तो आपका हेड का पोजीशन एक बार देखो ना किस तरीके से हिटिंग हो रही है, यहां जा, ये देख हेड देख, दिक्कत ये हो रही है ना कि हेड का और बॉडी का जो मिलन है ना वो कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा। जब आपको हिटिंग में वही चीज कर रहा हूँ कि हिटिंग में यहाँ से आप खड़े हो इस तरीके से, आपको ये पता है कि मुझे हिटिंग करनी है, अगर रेंज में बॉल आ गया तो पहले पैर गया फिर बैट आया, हेड आया फिर बैट आया, ये फ्लो होना चाहिए, यानी खोद के निकालना जमीन से, ये इस तरीके से। आपका कैसे हो रहा है यहां से जाके ना, यहां जाके यही से हिटिंग कर रहे हो, अच्छा कनेक्ट हो रहा है फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाओगे। यहां खड़े हो, बॉल देखा, पैर डाला, हेड लाए, अब ये देखो बॉल, ये देखो ये इस तरीके से होगा। आपका कैसा हो रहा है, ये गए पैर डाला, हेड नहीं आया, बैट आ जा रहा है, पहला पैर दूसरा हेड तीसरा बैट। आपका क्या हो रहा है, पहला पैर दूसरा बैट, हेड आ ही नहीं रहा है, एक चीज मिस होने से कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटिंग नहीं बन रहा है जब आपको हिटिंग करनी है। और इसमें दिक्कत ड्राइव में भी आपको होगी, अगर स्विंग अच्छा हो रहा है आप दूर से खेलोगे और आप अपने स्टंप को कवर भी नहीं कर सकते, छोटा पैर निकालोगे, ठीक है। तो तीन चीज पे काम करना बहुत जरूरी है, पहला आपका अगर आप बॉल की रेंज में जाते हो, दूसरा आपका बैट आना और उससे पहले आपका हेड आएगा, अगर हेड नहीं आएगा तो फिर आप दूर से खेलोगे और वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है।